जैसा कि मैंने बोला कि बीइंग अ गर्ल ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि मैं जिन लोगों से पूरे दिन में डील करती हूँ आई शुड ट्रस्ट देम एंड ट्रस्ट करने के लिए मुझे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स जैसे हम लोगों का इतना बिजी स्केड्यूल होता है, इतना बिजी रूटीन होता है, हम लोग हर किसी के पीछे नहीं भाग सकते ये जानने के लिए कि जो मुझे पता है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो सही है या गलत है. तो ऑफ कोर्स आई थिंक ट्रैक जो करने वाला है और जिस तरह से हमारी हेल्प करने वाला है, मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ. एंड मुझे लगता है कि ये सिर्फ ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. जी मुझे लगता है कि शायद हर लड़की ने कहीं ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा. ऑफ कोर्स मैंने भी कुछ चीज़ें शायद एक्सपीरियंस की हैं, तो अभी मुझे एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं है. बहुत बहुत पहले की बातें हैं, कुछ बचपन में, लाइक जब इतनी अकल भी नहीं थी, इतनी समझ भी नहीं होती थी, तब हम किसी को बता पाते थे ऐसी बातें, ना पेरेंट्स से शेयर कर पाते थे. और आई थिंक ट्रैक जैसी एजेंसीज अगर हमारी सोसाइटी में और आएंगी तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हम सब के लिए. जो चीज़ें हम शायद किसी से नहीं कह पाते, नहीं शेयर कर पाते हैं कि हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा मे बी बंद ही हो जाएगा ये सब. इतने ट्रस्ट इश्यूज आजकल सोसाइटी में हो रहे हैं, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है अगर हम सही तरीके से ट्रैक की हेल्प ले तो. हाँ, आई थिंक मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली जो ट्रैक का जो एक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. इससे हम लोगों को जान सकते हैं अच्छे से कि कौन कैसा है. बस यही कहूँगा कि सर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं ज़रूर सबको, मतलब मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में बताने ही वाला हूँ कि ट्रैक की ऐप डाउनलोड करिए, फिर trackindia.com पे जाइए, ये करिए. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगा सर. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है तो नहीं, बट लेकिन होगा तो मैं होने नहीं दूंगा. तो मैं उसको ट्रैक के थ्रू मैं उसको बचा लूंगा. अभी ऐसा अभी हुआ नहीं है, ना ही होगा. अभी तो वी आर इन साथिया, ओके, ही इज श्रवण जी एंड आई एम विद्या. तो अभी तो साथिया चल रहा है एंड आई होप कि काफ़ी देर तक चलता रहेगा. जैसे कि सबका प्यार इतना मिल रहा है 6 साल से, अभी 7वां साल स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है सबका हमारे शो को. आई होप कि आगे भी मिलता रहेगा. स्वयं रियो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों की काफ़ी धूम मची है, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, काफ़ी लोग, उनके बारे में कुछ बताना चाहिए. जी यहाँ पे भी मैं कहूँगी कि लड़कियाँ ही सबसे आगे हैं. आई थिंक कि पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ स्टडीज़ में लड़कियाँ हमारे देश में आगे थी, अभी तो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ती जा रही हैं. पहले एक टाइम होता था जब हमारे देश की लड़कियाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतती थी और लड़के स्पोर्ट्स में आगे होते थे. अभी मुझे लगता है कि वो ज़माना उल्टा हो रहा है, लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आगे जा रही हैं और लड़के शायद ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीतते जा रहे हैं. बट इसमें भी मुझे एक ही चीज़ की खुशी है कि जिस पे गर्व फील होता है कि लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं. और ऑफ कोर्स आई एम बीइंग फेमिनिस्ट, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके.